नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल झटपट ज्ञान में। दोस्तों, अगर आपने पहले 5 सवाल वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख ले, ताकि आपके इस वीडियो में इंटरेस्ट बना रहे। दोस्तों, आपको उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने 5 सवाल के जवाब दे दिए थे, तो दोस्तों इस वीडियो में बाकी 5 सवाल में आपसे पूछने वाला हूं, जिसका जवाब आप लोगों को देना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सवाल नंबर 6, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितने गज की दूरी से मारा जाता है? तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितने गज की दूरी से मारा जाता है? तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए 7 गज, ऑप्शन बी 8 गज, ऑप्शन सी 9 गज, ये ऑप्शन डी 10 गज। तो दोस्तों, क्या है इसका सही जवाब? दोस्तों, आप अपना सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं 7 सेकंड के बाद इसका सही जवाब लेकर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी 8 गज की दूरी से है। दोस्तों, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक 8 गज की दूरी से मारा जाता है। तो दोस्तों, अब सुनते हैं सवाल नंबर 7, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? दोस्तों, बास्केटबॉल तो आप सबने खेला ही होगा, तो दोस्तों आपको पता होगा कि बास्केटबॉल के एक साइड में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए 9 खिलाड़ी, ऑप्शन बी 10 खिलाड़ी, ऑप्शन सी 4 खिलाड़ी, ये ऑप्शन डी 5 खिलाड़ी। तो दोस्तों, क्या है इसका सही जवाब? दोस्तों, आप अपना सही जवाब हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हो। दोस्तों, हमें बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट के माध्यम से अपना सही जवाब देते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं 7 सेकंड के बाद इसका सही जवाब लेकर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5 खिलाड़ी। दोस्तों, बास्केटबॉल में प्रत्येक साइड 5 खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों, आप सुनते हैं सवाल नंबर 8, शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि शतरंज खेल का जन्मदाता कौन सा देश है? तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ये ऑप्शन डी चाइना। तो दोस्तों, क्या है इसका सही जवाब? दोस्तों, आप अपना सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं 7 सेकंड के बाद इसका सही जवाब लेकर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। दोस्तों, भारत ने ही शतरंज खेल की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, अब सुनते हैं सवाल नंबर 9, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए 20.20 मीटर, ऑप्शन बी 20.12 मीटर, ऑप्शन सी 25 गज, या ऑप्शन डी 20.12 गज। तो दोस्तों, क्या है इसका सही जवाब? दोस्तों, आप अपना सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं 7 सेकंड के बाद इसका सही जवाब लेकर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 20.12 मीटर। दोस्तों, क्रिकेट पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है। तो दोस्तों, आप सुनते हैं आखिरी सवाल, सवाल नंबर 10, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि सानिया मिर्जा कौन से खेल से संबंध रखती है? तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी लॉन टेनिस, ऑप्शन सी फुटबॉल, या ऑप्शन डी क्रिकेट। तो दोस्तों, क्या है इसका सही जवाब? दोस्तों, आप अपना सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं 7 सेकंड के बाद इसका सही जवाब लेकर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी लॉन टेनिस है। दोस्तों, सानिया मिर्जा लॉन टेनिस खेल से संबंध रखती है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और साथ ही प्रेस करें उस बेल आइकन को, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में और भी बहुत सारे सवाल लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।